मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना लोडिंग प्रोसेस, जो इंटरलॉकिंग पेपर वर्क की मशीन से वो लोड कैसे होती है और क्लाइंट के यहाँ पहुँचाने से पहले कैसे उनको तैयार किया जाता है, मोटर कैसे लगाई जाती है, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं वो टेबल्स को रेडी कर रहे हैं, मोटर्स इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इसी तरह किस क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोडिंग होती है, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, पेपर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने के लिए क्या क्या मशीनें और क्या क्या आइटम्स की जरूरत होती है वो मैं आपको इस वीडियो में वो भी ऐड कर देता हूँ। ये है अपने मोल्ड, सिलिकॉन बेस्ड मोल्ड होते हैं। जो भी इंटरलॉकिंग पेपर ब्लॉक के डिजाइन आपको बनाने होते हैं उसी टाइप के आपको मोल्ड्स लेने होते हैं। बाकी सेकेंड आइटम आता है वाइब्रेशन टेबल। तो ये वाइब्रेशन टेबल है 10 फीट बाई 2.5 फीट की, काफी अच्छी क्वालिटी की मशीन है। 5 से 6 आवर का प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। इसके बाद आता है कंक्रीट मिक्सचर्स। ये बेसिकली कंक्रीट का जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट मिक्सर है। डबल गियर के साथ है, 1.5 बैग की कैपेसिटी है, 2 रट की सपोर्ट है एंड 5 HP की मोटर है, व्हील्स के साथ है। इजीली आप इसको मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर। 1.5 बैग की कैपेसिटी होती है इसमें और डबल गियर है, काफी हैवी है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी है। और आप बहुत अच्छे से इसमें पेपर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए जो मिक्सर्स में जो रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कलर मिक्सर। ये कलर मिक्सर है बेसिकली, ये टॉप लेयर के लिए यूज होता है। जो कलर पेस्ट हम बनाते हैं डस्ट, सीमेंट, केमिकल आर्टर एंड कलर ऑक्साइड का, तो काफ़ी अच्छी टाइल्स बनाने के लिए आपको पेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो पेस्ट इसमें बनाया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेस्ट बनेगा तभी आपकी टाइल्स अच्छी बनेंगी। एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 1.5 बैग की इसकी कैपेसिटी है, 3 HP मोटर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गेयर बॉक्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, लास्ट में बचा है केमिकल हार्डनर, जो हमारी इस मशीन में बनाया जाता है। बनाने के बाद इन बैरल में भर दिया जाता है। अच्छी टाइल्स बनाने के लिए आपके पास अच्छा केमिकल हार्डनर होना बहुत जरूरी है। टाइल्स आप बना लेते हैं लेकिन वो फिनिश पीस, वो क्वालिटी, वो ब्रेकेज वगैरह को रोक नहीं पाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप टाइल्स एंड ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी क्वालिटी का आप हार्डनर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी खुद की हार्डनर्स की मैन्युफैक्चरिंग है। बेसिकली टाइल्स को और ब्लॉक्स को बनाने के लिए 2 तरह के केमिकल हार्डनर यूज होते हैं। एक होता है टॉप लेयर, दूसरा होता है बैक लेयर। बैक लेयर जो केमिकल हार्डनर होता है उसका काम होता है ब्लॉक को स्ट्रेंथ देना, जो ब्रेकेज को रोके, कोने वगैरह ना टूटे। बट टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर केमिकल का काम होता है आपके पीस को बहुत सुंदर बनाना, बहुत चमकता हुआ बनाना। आप हमारा हार्डनर इस्तेमाल करेंगे तो लुक लाइक ऐसा पीस दिखेगा जैसे पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल पॉलिश फिनिश पीस निकलेगा अगर हमारी हार्डनर की से टाइल बनाएंगे। बेसिकली हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो क्वालिटी हम बहुत अच्छी बनाते हैं। आप लोग बाहर से अगर केमिकल हार्डनर परचेज करते हैं तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, बिकॉज लोग उसमें पानी ऐड करते हैं जिससे आप अच्छी क्वालिटी नहीं बना सकते। अगर अच्छी क्वालिटी की टाइल एंड ब्लॉक बनानी है तो HP टाइल मशीनरी का केमिकल हार्डनर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली।